नमस्कार, आर के चैनल में आपका स्वागत है। पहली वीडियो में मैंने आपको ये पूरा उपरला पार्ट बनाना सिखाया था। अब हमने इसकी नीचे वाला हिस्सा बनाना है। ये दोनों बाजू है, ये और ये दोनों आगे वाले हिस्से हैं। ये मैं 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो चलो आपको पहले मैं इसका डिवाइड ऐसे करना कि ये मैंने बाजू, पहले बाजू बुनेंगे हम। पहले फंदे मैंने यहाँ से इस सिलाई में डाल लिए थे। अब हम ये बाजू के फंदे हैं, हमारे कितने फंदे हैं, एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये 55 फंदे हैं हमारे। 55 फंदों को हमने बाजू में बनाना है। इसकी हम बाजू बनाएंगे। ये फंदे मैंने पहले इस सिलाई में डाले थे, अब यहां से हम शुरू करेंगे। ये हमने सीधे सीधे ही बुनने हैं। हमारी बाजू आएगी जो सीधी सीधी ही आएगी। ग्यारह फंदों से हमने शुरू किया था ऊपर से हिस्सा, और 55 फंदे हमारे हो गए। अब हम ऐसे ही कल्ली बाजू पहले बनाएंगे, फिर हमने आगे और पीछे वाला हिस्सा दोनों इकट्ठे करके उगलाई में हम बनाएंगे। पहले बाजू बना लेते दोनों, फिर आपको वो दिखाएंगे। बाजू के हमने आगे बॉर्डर जो बनाना है वो भी हमने डिजाइनर ही बनाना है। ऐसे सीधी सीधी सिलाइयां दोनों तरफ सीधी सीधी आएंगी। थोड़ा सा बनाकर फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने बाजू बनाई है। मैंने 15 अब जे वाली बना के ना सीधी सीधी सिलाइयाँ, 30 सिलाइयाँ डाल के मैंने एक एक फंदा कटाना शुरू कर दिया। चौथी सिलाई में मैंने एक एक फंदा कम कर दिया। वो कैसे किया मैंने, ये देखो, पहले फंदा उतारा, फिर 2 का 1, दोनों तरफ से 2 का 1 कर देना, क्योंकि हमारी बाजू के आगे हिस्सा आ रहा है ना, तो जितने हमें बॉर्डर के चाहिए उतने हम फंदे रखेंगे, बाकी एक एक करके हम सारे कटाते जाएंगे। आगे हम नीचे से शुरू करते हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ाते जाते हैं, ये नीचे की तरफ जाना तो हमें कटाते जाना। दोनों तरफ से एक एक फंदा हम चौथी चौथी सिलाई में ही जाएंगे। हमें जितने फंदे चाहिए उतने हम बॉर्डर के रख के बाकी सारे फंदे हौली हौली बंद करते जाएंगे। जहाँ भी हम ये फंदे 3 आ गए, 2 का 1 पहले कर देंगे,
उल्टी स्लाइस जैसे हम वैसे ही बुननी है, सीधी स्लाइस आई जाएगी। अगली सिलाई में हम थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें डालेंगे। ये सिलाई कंप्लीट कर लो, फिर अगली सिलाई में आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। ये मैंने 20 फंदे बुन लिए। 20 फंदे बुनने के बाद देखो क्या करना, एक उल्टा सेंट, बीच वाले फंदे लेने हैं हमने 5, एक उल्टा एक सीधा, फिर एक उल्टा एक सीधा। देखो एक उल्टा और एक सीधा, फिर एक उल्टा, तीन फंदे हमने ऐसे बुने हैं, बाकी हमने सीधे ही बुनने हैं। इधर भी 20 आ गए, इधर भी 20 आ गए। हम बॉर्डर तक फंदे, मैंने, मुझे 40 चाहिए, मैंने 40 फंदे रख के बाकी हौली हौली फंदे अपने बंद करती जाऊंगी। अब हमने ये सेंटर में ये डिज़ाइन बनाना है, ये वाला जो हमने ये वाला बनाया था। पहले 3 फंदे बुने, फिर 5, एक एक फंदा दोनों तरफ से लेते जाएंगे, ऐसे करके पूरे एंड तक हम ये फंदे ले आएंगे। ये फंदे आ गए। अब हम जो सीधा फंदा आया, हम यहाँ से नहीं बुनेंगे, यहाँ से बुनेंगे जो ऊपर हमने बनाया था डिजाइन, वो ही वाला सेम। ऐसे पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लो। ये देखो ये पहले 3 फंदे थे ना हमारे, अब हमने 5 फंदे कर लेने। ये सीधा फंदा आ गया, ये उल्टा, उससे पहले हम सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा, फिर सीधा। सीधा यहाँ से बुन, नहीं बुनना यहाँ से बुनना। ये देखो फिर उल्टा, फिर हमारा सीधा, बाकी फंदे सारे सीधे। पहले हमने 3 बुने, फिर 5, ऐसे करते करते पूरे एंड तक हम ये फंदे कर लेंगे, पूरा डिजाइन ऐसे बना लेंगे। आपको पूरा बनाकर मैं दिखाती हूँ। मैंने बॉर्डर रख के 40 फंदे रखने हैं, पीस जोड़ 40 फंदे, उतने करके बाकी फंदे मैं नाल नाल बंद करती जाऊंगी। आपको इतना बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो इतना बन गया, पूरा मैंने बॉर्डर बना लिया। बाजू की लंबाई अपने बच्चे के हिसाब से रखना, आपके बच्चे की बाजू की जितनी लंबाई होगी उसके वहाँ उतनी रख के फिर आपने ये डिज़ाइन शुरू कर लेना, क्योंकि यहाँ से हमने इतना डिज़ाइन बनाना है और 3 इंच आगे और जाएगा, इतना 3 इंच अपना और आगे जाएगा। अब क्या करना, पूरा हमारा देखो ये हो गया पूरे फंदे। अब हमने सिंपल, मैंने 40 फंदे नहीं रखे, मैंने 36 फंदे कर लिए, क्योंकि मैंने लगा बहुत खुला ना हो जाए, मैंने 36 फंदे रखे इसके। अब सीधी और उल्टी सिलाई हमने डालनी है, सिंपल सीधी उल्टी सिलाई हमने डालनी है। बाजू की लंबाई बिल्कुल अपने बच्चे हिसाब से रखना, कि बच्चों की बाल लंबी होती है, कहीं की छोटी होती है, अपने हिसाब से रखना।
सीधी और उल्टी सिलाई आपने डालनी है। उल्टी तरफ से उल्टी, आपको मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसे आप बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इतना मैंने बना लिया। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिलाइयाँ ये वाली हैं मैंने बुन ली। अब आगे हमने फिर यही वाला बॉर्डर बनाना है, ये वाला ही। यहाँ से एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा पूरा बॉर्डर बनाना। यहाँ से ही बुनना या फंदा, सेम ऐसे ही बनाना जो ऊपर बनाया ना हमने, यही वाला नीचे बनाना। फिर हमारी बाजू एक तो बन गई, दूसरी बाजू आप फिर ऐसी तरफ बना लेनी है जैसी ये बनाई ना। ऐसे उल्टी तरफ से भी सीधा उल्टा और सीधी तरफ से भी सीधा उल्टा। आपको पूरा बॉर्डर बना के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखो ये मैंने 6 सिलाइयाँ इसकी बुन ली बॉर्डर की। अब हम इसको बंद कर देंगे। इधर नॉर्मल बंद करते हमारी बाजू तैयार हो गई। इसी तरह हम दूसरी बाजू बुन के फिर आप अगला और पिछले हिस्से को हम बुनाई करेंगे। दूसरी बाजू आप बुन लो, फिर अगली बात अगले पीछे और अगले का पार्ट बनाएंगे। इतना बना लिया, आगे भी बना लेते हैं। ये देखो ये ना पूरा मैंने इकट्ठा कर लिया बाजू बना के। बनाने के बाद सारा मैंने आगे और पीछे वाला इकट्ठा बुन करके अब मैंने थोड़ा सा बना के फिर इसके आगे डिज़ाइन डाल लेंगे। पहले सीधियाँ बॉर्डर, एक सीधा एक उल्टा हम थोड़ा सा बुनेंगे। इसके बाद आगे फिर आपको मैं दिखाऊंगी क्या करना है। देखो मैंने पूरा इकट्ठा कर लिया। ये देखो ये भी जोड़ लिया इसके साथ, ये भी सारा इकट्ठा करने के बाद हम 2 उंगला और बुन के फिर आगे आपको मैं डिज़ाइन दिखाऊंगी कैसे करना। आप इतना बुन लो फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना। जे सीधा उल्टा ही बुनना, जो अपने डिज़ाइन जो डाल रहे हैं ना हम, ये वाला ही डालना। जे डालते लो फिर आगे आपको भी दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो मैंने इतना बना लिया। मैंने 2 कलर लगा लिए। मैंने बाजू के आगे भी कलर लगा दिया ये वाला डार्क, बीच में प्लेन बना के आगे डार्क लगा दिया। इसी तरह मैंने आगे भी डार्क लगाया। अब हमने ये वाला हिस्सा बनाना है प्लेन वाला। अब हमने
डार्क, मैंने डार्क लगा लिए, दो कलर बना लिए। अब हमने प्लेन थोड़ा सा बुनेंगे, उसके आगे फिर डार्क ही बनाएंगे। अब सिंपल सीधी और उल्टी सिलाई डालेंगे, 10 सिलाइयां हम डाल के फिर हम आगे डार्क फिर लगा लेंगे। अब सिंपल हमने सीधा उल्टा ही बुनना है ऐसे। फिर उसके आगे फिर आप डार्क लगाएंगे, 10 सिलाइयां डाल के फिर आपको मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। सीधी और उल्टी सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है, जैसे मैंने बाजू के आगे बुना ना ये वाला हिस्सा सीधा उल्टा, ऐसे ही बुन के 10 सिलाइयां डाल के फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो बटन होल अपने साथ साथ बनाते जाना, ये भूलना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 के बाद मैंने बटन होल किया है। ये मैंने थोड़ा बीच डार्क डाला, अब प्लेन डाल दिया। अब हमने आगे फिर डार्क ही डालना है। मैंने बाजू के आगे भी डार्क ही डालना है, थोड़ा डिज़ाइन वक्रा कर दिया मैंने। ये देखो अब हम फिर डार्क ही डाल लेंगे। डार्क फिर आपने सीधा और उल्टा ही बुनना है। ये पहले एक सिलाई मैंने सीधी डाल ली है क्योंकि उसके साथ ना फिर नहीं तो वो आ जाएगा सीधा उल्टा, उल्टी तरफ से शुरू करेंगे। पहले मैंने पूरी सीधी डाल के एक सिलाई पूरी सीधी डालनी, पूरी सीधी सिलाई डाल के उल्टी सिलाई में हम डिज़ाइन सीधा उल्टा करेंगे। ये पूरी मैं सीधी कर लेती हूँ। दोनों तरफ मैंने पट्टी के कलर लाइट ही रखा मैंने, और दोनों तरफ से धागा वक्रा वक्रा रखा मैंने। इधर भी मैंने धागा लगाया ये वाला, और दूसरी तरफ भी ये लगा लिया। अब उल्टी सिलाई, ये 6 फंदे तो पट्टी के, धागा आगे, फिर हमने एक उल्टा और एक सीधा फिर हमने शुरू कर देना है ऐसे ही। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। यहाँ से करना है, एक उल्टा और एक सीधा। ऐसे आपने नीचे तक इसकी पूरा लंबाई बनानी है, और डार्क से ही बनानी है। अब आपको मैं पूरा बनाकर दिखाती हूँ फिर कैसे बनाना है। पूरा बना के आपको फिर मैं दिखाती हूँ। एक सीधा एक उल्टे का ही हमने पूरा डार्क ही अब बनाना है, हमने बनाकर पूरा दिखाती हूँ फिर आपको मैं। ये देखो ये मेरी बन के तैयार हो गई है। नीचे ये वाला बॉर्डर बन गया, और नीचे मैंने फिर 4 सिलाइयाँ मैंने लाइट धागे की डाल दी है, और 4 मैंने डार्क सीधी सीधी डाल ली मैंने। ये तो डिज़ाइन ही था ना वो वाला ही, एक सीधा एक उल्टा। ये मैंने 4 सिलाइयाँ
चार इसकी मैंने बॉर्डर बना दिया नीचे। अब हम इसको बंद कर देंगे, बंद ऐसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं दो का एक। ऐसे पूरे बंद कर देंगे। आपको बंद करके मैं दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं गले का हम बनाएंगे कॉलर ऐसे। ये देखो पूरा बंद करके मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा तैयार हो गया, नीचे से मैंने बंद कर दिया। ये देखो ये बाजू हो गई। लंबाई और बाजू अपने बच्चे के हिसाब से आप रख सकते हो। अब हम बनाएंगे, आप कॉलर भी बना सकते हो और बैन भी लगा सकते हो, अब जो आपकी इच्छा हो। यहां से हम फंदे उठाएंगे, सत्तर फंदे हम उठाएंगे। ऐसे करके पूरे फंदे हम उठा लेंगे, 17 फंदे हम यहां से उठाएंगे। ऐसे पूरे फंदे उठाकर ऐसे पूरे फंदे उठा लो, फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ क्या करना। पूरे फंदे उठाकर फिर हम थोड़ा सा सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ाएंगे। ये देखो ये मैंने फंदे उठा के मैंने छह सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी की चढ़ा ली। ये हमारा उल्टा पासा है, ये हमारा ऐसे उल्टा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे अंदर को जाएगा, इधर हमारा सीधा आएगा, उल्टी तरफ से हमारा सीधा आएगा। अब हमने जैसे हमने ये सेंटर में ये डाला ना, ये डिज़ाइन, ऐसे हमने दो चार सिलाइयाँ हम ये वाली डाल लेंगे सीधी उल्टी की प्लेन कलर की। यहाँ से उल्टी तरफ हमारा सीधा आएगा। ऐसे हम पूरी सीधी सिलाई उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में हमने
चार फंदे हमने बॉर्डर के रख लेने हैं। चार फंदे हमने बॉर्डर के रख के बाकी हमने उल्टे बुन लेने। पूरी सिलाई उल्टी बुननी। इधर साइड में भी चार फंदे हम बॉर्डर के रखेंगे, चार इधर रखेंगे, चार उधर रखेंगे, ये उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी डाल लेंगे। चार सिलाइयाँ ऐसे डाल के फिर आपको आगे दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये चार सिलाइयाँ डाल के एक सीधी सिलाई मैंने डाल ली इस कलर की। अब हमने सारा यही कलर का कॉलर बनाएंगे। उल्टी सिलाई में ये चार फंदे तो हम सीधे ही बुनेंगे। फिर हमने एक उल्टा और एक सीधा ये वाला डिज़ाइन ही बनाएंगे, ये वाला ही, एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा सीधा। यहाँ से बुनना है, यहाँ से नहीं बुनना, यहाँ से एक सीधा एक उल्टा। ऐसे आप थोड़ा सा बना लो, फिर आपको आगे मैं दिखाती हूँ। एंड में आपको मैं पूरा एक साल के बच्चे का, ये तो 2 साल के बच्चे का ना, 1 साल के बच्चे का और बड़े बनाने बड़े का सारा मैं आपको हिसाब लगा कर दिखा दूँगी। ऐसे आप पूरा बना लो। दोनों तरफ से चार चार फंदे हमने बॉर्डर के रखने हैं। इतना बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने कॉलर बना लिया। ये मैंने चार सिलाइयाँ ऊपर सीधी सीधी डाल दी। ये डिज़ाइन डालने के बाद मैंने सीधी सीधी डाल ली। आप चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, मैंने छोटा बनाया। ये देखो, 10 सिलाइयाँ ये डाली मैंने डिज़ाइन वाली और मैंने 4 सिलाइयाँ ये डाल ली है। आप चाहो तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हो और ये थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, मैंने छोटा ही बनाया। ये देखो पूरा बन गया। ये मैंने 8 फंदे डाल के सीधी सीधी सिलाइयाँ डाल के ये 2 मैंने बटन होल बनाए हैं और ये मैंने 6 फंदे डाल के ये मैंने जहाँ लगाना, देखो दोनों के सेंटर में हमने बाजू, ये बाजू के जहाँ लगाकर ऐसे एक जहाँ और एक जहाँ ऐसे बटन लगाएंगे बाजू के ऐसे। और एक मैंने जो बटन होल वो वाली बनाई है जहाँ बटन पूरे लगाएंगे ऐसे, और ये यहाँ लगाएंगे।
यहाँ हम सिलाई कर देंगे, यहाँ हम सिलाई कर देंगे, या हम दो बटन लगा देंगे। बाजू के जेब लगा देंगे, और जहां ये लगा देंगे ऐसे पूरा बनाकर आप। और आपको मैं बताती हूँ कैसे कैसे फंदे डालने हैं। ये हमने 2 साल के बच्चे की बनाई थी, 75 फंदे डाले थे। छोटे बच्चे 1 साल के बच्चे के बनानी हो तो 65 डाल लो, फिर 15 पीछे, फिर आगे पट्टी के 5 फंदे 6 फंदे, फिर उसकी आगे वाले हिस्से के 2 फंदे, फिर 10, फिर 2, फिर 15, फिर 2, फिर 10, फिर 2, फिर 6 और 5। ऐसे करके आपने जी बनाने। कॉलर के फंदे हमने 75 फंदे उठाए थे, इसके इसके हमने 60 फंदे उठाने हैं छोटे बच्चे के लिए। जी आपने छोटे बच्चे के बनानी हो तो ऐसे बना लो, बड़ों की तो मैंने ये बनाई है, आपको बताया मैंने सारा। उससे बड़े बनानी हो तो आप 10 फंदे और डाल लो, 85 फंदे शुरू कर लो, क्योंकि बाजू की और लेंथ इसकी अपने बच्चे के हिसाब से आप रखना। कॉलर आप बड़ा छोटा बना सकती हो, बैन भी लगा सकती हो, ना हो तो आप सिर्फ इतना ही बुन लो, इतना, और बैन बन जाएगा। ये कुछ भी ना डालो, सिर्फ इतना ही डालोगे तो बैन बन जाएगा। उसके लिए फंदे आप थोड़े से कम डाल लेना। ये हमने 70 फंदे डाले थे, वो 60 फंदे डाल के आप बैन बना सकती हो। ये रहा आप बनाना, और आप लड़कों लड़के दोनों के डाल सकते हो। जहाँ हमने स्टिचिंग कर देंगे बाजू की, कली बाजू की स्टिचिंग होनी है इसमें, और किसी की स्टिचिंग नहीं होगी, क्योंकि बाजू और लेंथ अपने बच्चे के हिसाब से रखना। थैंक यू, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।